एक गम में आपको शरीक करना चाहता हूँ। हमारे अल्लाह ने हमें यह तबलीग का काम बहुत आलीशान काम दिया है और पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से निज़ामुद्दीन से यह काम, निज़ामुद्दीन दिल्ली की एक बस्ती थी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ वहाँ उनकी आरामगाह है, मैं दो दफ़ा वहाँ गया हूँ, तो उसी के उन निस्बत से उस जगह को बस्ती निज़ामुद्दीन कहा जाता है। वहाँ से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1926 में ये तबलीग का काम शुरू किया। फिर 1944 में उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको संभाला और इसको दुनिया में फैलाने का वो जरिया बने। उनका 65 में इंतकाल हुआ तो मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी जगह अमीर बने। फिर पूरी दुनिया में ये काम आखिरी कन मैं दुनिया के आखिरी किनारों तक तो खुद अल्लाह ने मुझे पहुंचाया हुआ है। और फिर 95 में उनका इंतकाल हुआ तो फिर एक शूरा बनी जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते हजरत मौलाना साद साहब दामत बरकातहु हूँ, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में, उम्र में, सेहत में, इलम में बरकत दे, उनके ज़रिए से बहुत फैज फैल रहा है बनाए। मौलाना साद साहब के लिए दुआ फरमाएं कि अब वो अकेले हो गए, उनके कंधों पर सारा बोझ आ गया है, अल्लाह उनको हिम्मत भी दे, सेहत भी दे, बसीरत भी दे, फिरासत भी दे, सबको साथ लेकर चलने की हिम्मत और ताकत दे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इन आवाज के साथ मैं आज की मजलिस खत्म करता हूँ। आपसे अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा वीडियोस भी मिलती रहे।